नमस्कार, हर्बल पॉइंट की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बंधुओं, आपके लिए हम आसपास के घास फूस, पेड़ पौधे जो आपके सराउंडिंग्स में है और आपके घर में जो किचन है उसके अंदर जो मसाले उपलब्ध है उसके औषधीय गुणों की जानकारी आपको देता रहा हूं। कुछ लोगों ने अजवाइन के बारे में फिर से एक संक्षेप में बताने की बात कही है, आग्रह किया है, तो आज मैं फिर से एक अजवाइन पर एक बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही व्यावहारिक रूप से इसका उपयोग हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अजवाइन, जिसको अंग्रेजी में एजोवा सीड्स, यह हमारे आयुर्वेद या पौराणिक हर्ब में अजवाइन खुद एक चिकित्सक के रूप में रहा। यह सुपाच्य, रुचिकर, तीक्ष्ण, गर्म, चटपटी, कड़वी और पित्तवर्धक होती है, जो पाचक औषधियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान माना गया। यह कफ, उदर और छाती दर्द, कृमि रोग, हिचकी, मितली, खट्टी डकार, बदहजमी, मूत्रावरोध या कम पेशाब होता हो और पथरी रोगों में भी गुणकारी। सर्दी जुकाम की बात करें तो सर्दी हो, जुकाम हो या साइनस का बीमारी हो गया हो या नाक पूरा का पूरा बंद हो जाए तो बहुत जमाने से इसका प्रयोग होता जा रहा है। इसको थोड़ा मोटा कूट कर कपड़े में बांध कर सूंघने और चबाकर खाने से चमत्कारिक लाभ होता है। पर सब के बाद महिलाओं को अजवाइन चबाने के लिए दिया जाता। देखिए, जब महावारी में दर्द हो, माने वो आपका जो पीरियड हो वो पेनफुल हो, तो पूरे महीने आप भोजन के बाद एक चम्मच अजवाइन चबा लिया कीजिए और उसके बाद आप गर्म पानी पी लिया कीजिए रोज। ऐसा करने से आपके अगले महीने का जो पीरियड आएगा उसमें आपको दर्द या तो पूरा का पूरा नहीं होगा या काफी कम होगा, और इसको आप लगातार रखिएगा तो आपका छूटेगा भी। आपको हमने ऊपर ही बताया कि यह पाचन तंत्र के लिए बहु उपयोगी यह हर्ब है, हर्बल है। तो आप देखिए, इसको अगर पेट में किसी तरह की परेशानी हो आप अजवाइन को पूरे विश्वास के साथ याद कर सकते हैं। कृमि अगर हो, गैस आदि से परेशानी हो, आप देखिए आपका अपच हो गया हो और लीवर में भी कोई खराबी हो गई हो, इन सारे चीजों में, पेट के तमाम रोगों में आप अजवाइन को काला नमक के साथ पीस के मिला के रख लीजिए और एक चुटकी उसका जीभ पर खाने के बाद डाल लिया कीजिए। मैं सोचता हूं कि आपके पेट की सारी समस्याएं हल हो जाया करेगी। मुख दुर्गंध, अगर मुंह से दुर्गंध आता हो तो अजवाइन को पानी में उबाल करके जो वो पानी आप मिले उससे आप लगातार कई बार कुल्ला कीजिए तो मुंह का सारा दुर्गंध नष्ट हो जाएगा। मसूरों में सूजन हो और तो इसका तेल ले लीजिए और चार पांच बूंद तेल को गुनगुने पानी में डालकर कुल्ला कीजिए, देखिएगा कि आपके मसूरे का सूजन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसका एक मंजन बनाइए, मंजन, और वो मंजन जो बनाइएगा वो दांतों और मसूरों तथा मुंह के तमाम रोगों के लिए लाभदायक होगा। आप इसके लिए क्या कीजिए, अजवाइन चूर्ण 10 ग्राम, हल्दी का चूर्ण 10 ग्राम और फिटकरी 10 ग्राम के अलावा नमक 5 ग्राम मिला के आप उसका बना लीजिए और उसको उससे आप वो ये मंजन कीजिए तो आप देखिएगा कि वो बहुत ही लाभकारी होगा। यह जो है अजवाइन, अजवाइन इसका रस काला नमक के साथ, अगर आप काला नमक मिला के सूक्ष्म जल के साथ अगर सेवन कीजिएगा तो आपकी खांसी भी खत्म होगी। गर्भावस्था में या प्रसवोपरांत भी, उसकी चर्चा हमने की है, इसका प्रयोग रक्त प्रवाह एवं रक्त शुद्धि के साथ साथ बाद में जो होने वाली समस्याएं हैं
इससे भी निजात दिलाने के लिए किया जाता है। आपको वजन कम करना है, परेशान है, जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं और क्या क्या करते हैं पता नहीं। रात में आप एक गिलास जल में एक चम्मच अजवाइन फूलने के लिए दे दीजिए और सुबह में शहद के साथ पी जाइए और इस काम को लगातार करते जाइए और देखिएगा कि आप लगातार आपका वजन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। दो तीन योग और बता रहा हूं आपको। अगर कोई चर्म रोग हो जाए तो उस चर्म रोग में आप क्या कीजिए, अजवाइन, हल्दी, फिटकरी और या कम से कम ये अजवाइन और फिटकरी का चूर्ण मिला लीजिए बराबर की मात्रा में और उसको गर्म पानी में डाल करके आप अपने चर्म रोग को धोइए और इसके बाद दूसरी दवाइयों का प्रयोग कीजिए। वो प्राइमरी रूप से आपका नष्ट वो खुजली खत्म करेगा और आपका एक बेस देगा जिस पर आप कोई भी दवाई लगाएंगे तो आपको लाभ करेगा। और हमारे यहां तो चर्म रोग का लगभग अब उसको शब्द में क्या कहूं, हमारे यहां उसका वो काफी अच्छा इलाज होता है, आपको चर्म रोग से मुक्त कराया जाता है। एक योग और मैं बताता हूं, एक रोटी बना सर्व रोग नाशक रोटी। आप रोटी खाते हैं और उसका कैलोरीज नापते हैं, देखते हैं कि रोटी खाने के बाद में मोटे होते चले जा रहे हैं। और आपको मैं एक रोटी बनाने का एक तरकीब बताता हूं कि आप 500 ग्राम आटा में एक चम्मच सफेद तिल का पाउडर डालिए, एक चम्मच अलसी का पाउडर डालिए, आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर, आधा चम्मच कलौंजी का पाउडर डाल के आप अगर उसके आटा सान उसको बना के और रोटी बना के अगर खाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर, मधुमेह, थायराइड या गठिया, ये क्या कहते हैं, यूरिक एसिड इत्यादि सभी रोगों के लिए लाभदायक होगा। एक और सर्व रोग नाशक, तो सर्व रोग नाशक रोटी है, अब एक सर्व रोग नाशक योग चूर्ण में बता रहा हूं। आप एक आयुर्वेद में एक त्रियोग की बड़ी चर्चा हुई है और इसको दुनिया का अब सर्वश्रेष्ठ कहना तो हमको लगता है अतिशयोक्ति हो जाएगी और जब भी मैं कहता हूं बहुत बढ़िया है तो पता नहीं आप कितना इसको बढ़िया आजमाने के पहले इस पर मीन मेख निकालने लगते हैं। आप त्रियोग बनाइए, 500 ग्राम मेथी का चूर्ण लीजिए, 200 ग्राम अजवाइन का चूर्ण लीजिए और 100 ग्राम काली जीरी का चूर्ण लीजिए। मेथी के गुण आप जानते हैं कितना गुणी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भी चीजों में पेट के लिए बहुत है। और अजवाइन का गुण तो अभी हमने बताया ही है, अजवाइन की पर तो चर्चा ही कर रहे हैं। और काली जीरी जो आपका होता है वो रक्त के लिए रामबाण होता है, तो आपका पेट साफ, आपका वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम क्लियर और आपका रक्त साफ, तो रोग कहां टिकेगा। इसलिए आप त्रियोग का प्रयोग कीजिए। और हमारे यहां त्रियोग तो मैं हर पेशेंट को देता हूं, त्रियोग हर पेशेंट को देता हूं। तो इस तरह से जो अजवाइन का प्रयोग है, अजवाइन का प्रयोग आपके कील मुहासे चेहरे पर हो जाए, कील मुहासे में आप अजवाइन को, अजवाइन के चूर्ण में आप हल्दी का चूर्ण, बेसन और फिर फिटकरी, ये सब का चूर्ण मिला के एक पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट को सुगंधित बनाने के लिए उसमें आप गुलाब जल में ही पेस्ट बना सकते हैं और उसको अगर चेहरे पर आप लगाइएगा तो कील मुहासे दाग धब्बे आपका सब का सब खत्म हो जाएगा। और इसको अगर आप व्हीट ग्रास जूस में बनाते हैं या व्हीट ग्रास पाउडर के साथ बनाते हैं तो और भी ज्यादा लाभ होगा। तो इतने सारे अजवाइन, ये अजवाइन और इसका इतना सारा गुण, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अजवाइन का प्रयोग आप कीजिए और ये अजवाइन जो है वो आपके लिए खाप। और अजवाइन जो आपके किचन में मौजूद है, आपके पास है, उसके इतने सारे गुणों के अलावा भी और बहुत सारे गुण हैं जिसकी चर्चा हमने किया। आप इसका उपयोग कीजिए और उपयोग करने के बाद आपको जो फायदा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हमारा जो यह चैनल है स्टॉप टीवी चैनल या डॉक्टर ए के प्रसाद का चैनल या इसी को राजीव रंजन आर्ट डायरेक्टर का चैनल, इस चैनल को आप
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के आइकॉन की घंटी को दबा दीजिए तो हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपके स्वास्थ्य की कुंजी है यह चैनल, आप इसको लगातार देखते रहिए, बार बार देखिए, आप स्वस्थ रहेंगे, मुक्त रहेंगे बड़े बड़े अस्पतालों से। और आपको मैं बता दूं, हर्बल पॉइंट आपका आहार प्रणाली से आपकी चिकित्सा का प्रबंध करता है और तमाम जो रोग होते हैं उस सब को आपके आहार व्यवहार के आधार पर ठीक करने की बात करती है। डायबिटीज को ही ले लीजिए, 60-70% लोग परेशान हैं और इंसुलिन ले लेके मरे जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं उनको कि आप मेरे यहां आइए, मैं आपको अधिक परेशान ना करूंगा, आपको 3 से 30 दिनों के अंदर आपके पैंक्रियाज को, उसके इंसुलिन निस्सरण की क्रिया को मैं नियमित करने की बात करूंगा, अगर आप मेरे साथ चले तो। ब्लड प्रेशर के साथ यही बात है, बवासीर के साथ यही बात है, आपके ज्वाइंट पेन के साथ यही बात है, लिकोरिया के साथ यही बात है, चर्म रोगों के साथ यही बात है। इन तमाम विसंगतियों की चिकित्सा हमारे यहाँ आहार प्रणाली और बहुत ही सूक्ष्म इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके आपको हम रोग से मुक्त करने की चेष्टा करते हैं। आपका सहयोग चाहिए, आप रोग मुक्त होना चाहें तो आप पधारिए, आपको मैं रोग मुक्त देखना चाहता हूं। और यह शरीर आपकी सेवा में समर्पित है, आप आइए, आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सुंदर भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।